वैसे मैं डिप्टी मैनेजर ऑनरी कैप्टन इम्तियाज़ हूँ। गल्फ कोर्स को मैं सेकंड कमांड कर रहा हूँ। मेरे साथ है मैनेजर सिक्योरिटी मेजर रिजवान है, और ओवरऑल जो हैं वो ब्रिगेडियर अहमद साहब गल्फ कोर्स को देख रहे हैं। तो बेसिक यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये गल्फ का एरिया है, जहाँ पे हम खड़े हैं ये होल नंबर 8 की जो टीज़ हैं, अगर आप अपने लेफ्ट के ऊपर देखें तो वो नीचे ये होल नंबर 8 की जो ग्रीन है, ठीक है, और दाएं तरफ मेरे दाएं तरफ देखें तो ये होल नंबर 9 की ये टीज़ है। ये जो आगे जिधर नीचे गाड़ी खड़ी है, ये जो सैंड वगैरह है, ये होल नंबर 9 की सैंडिंग हो रही है। ये वो बिल्कुल लास्ट के ऊपर होल नंबर 9 की जो ग्रीन है। तो बट अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, जहाँ पे आप पहले गए थे नीचे, वहाँ पे इसी तरह की ग्रासिंग आपको नज़र आई थी, वो होल नंबर 6 की टीज़ थी, ठीक है। तो बट मतलब जिधर से आप नीचे गए थे उधर देखें तो वो ग्रासिंग हुई थी, तो वो होल नंबर 6 की जो फेयर वे थी वो थी। जिधर आप एक सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़े थे गालिबन, वो गाइडनेस ले रहे थे, उसके बैक साइड के ऊपर वो होल नंबर 6 की जो ग्रीन थी, ठीक है। तो बट आगे नीचे की तरफ साउथ की तरफ वो होल नंबर 11 जो है वो उसकी ग्रीन भी है और टी भी है और साथ साथ फेयर वे भी है, ठीक है। फिलहाल अभी तक जो हमारे पास है 9 होल की जो मतलब तरतीब हुई है वो फर्स्ट होल नंबर 1 से लेके ना तो 12 तक है, दरमियान में एक दो मिसिंग भी है। जिधर से आप एंटर हुए हैं वो होल नंबर है, पहले हमने उसको होल नंबर 10 का नाम दिया हुआ था, अभी होल नंबर 1 स्नेटी के हिसाब से उसको 1 का नाम दे दिया गया। नीचे वाला जो मैंने बताया वो होल नंबर 2 है। तो आप नीचे जाएंगे झील के पास से हो गया, आए नहीं आप, वो होल नंबर 3 हाँ, वो झील आपको नज़र आ रही है ना, ये होल नंबर 3 है, ठीक है। ये होल नंबर इस वाटर बॉडी की बात, हाँ ये वाला, ये होल नंबर 3 है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे वो जो ग्रीन आपको नज़र आ रही है, वो जो ग्रासी ग्राउंड नज़र आ रहा है, ये होल नंबर 5 है, वो होल नंबर 5। वहाँ से आप टर्न करके आप होल नंबर 6 के ऊपर नीचे 6 के बाद, ये अगर आप ये देखें सामने तो बिल्कुल खुश्क इलाका नज़र आया ना, ये होल नंबर 7 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तकरीबन ना, ये बिल्कुल सामने वाला वो 7 है, ये 8 है, 8 के बाद ये जो नीचे वाला है ये होल नंबर 9 की जो टी है, ये वाला होल नंबर 9 का फेयर वे, वो आगे होल नंबर 9 है और उससे आगे जाएंगे तो होल नंबर 9 की टी यहाँ थी, होल नंबर 9 की टी ये है, ये नीचे वाली है, वो जो ग्रासी है वो जो नीचे है ये है, हाँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मतलब 9 होल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, अभी तक फिलहाल इसी के ऊपर काम हो रहा है। जो सेकंड 9 है मतलब 10 to 18, वो मेरे ख्याल में अभी अगले साल शुरू होंगे या उससे अगले साल शुरू होंगे ना। अच्छा, ग्रासिंग का कितना एरिया मॉनसून से पहले मुकम्मल हो जाएगा? आई होप कि जून जुलाई से पहले, जुलाई में भी, मे भी शायद। इनकी जो कोशिश ये है कि तकरीबन ये जो पहले 9 होल है ना ये तकरीबन मुकम्मल हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं सर कि इसमें टोटल कितना अंदाजन टाइम लगेगा पूरा जो गोल्फ कोर्स को मुकम्मल करने में? आई डाउट नो, मे भी शायद 2 इयर्स या इससे ज़्यादा। अच्छा, ग्रास जो इंस्टॉल की जा रही है लोकल है या इम्पोर्टेड है? इम्पोर्टेड है। और अभी ऑलमोस्ट कितने होल्स ऐसे हैं जो कम्प्लीट हो चुके हैं? अभी तो होल 6 हुआ है, ये 8 की जो है इसकी हो गई है, ठीक है नहीं, और इसके बाद अभी देखते प्रॉपर्टी के ऊपर 7 उसको 5 को करते हैं, 9 को करते हैं या 10 को करते हैं। बेसिक हमारा जो है कॉन्सेप्ट है वो सिक्योरिटी से है, ठीक है नहीं, लेकिन चलो साथ साथ हम रहते हुए ये भी मतलब इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। थैंक यू।